हेलो एवरीवन, सो फाइनली जिस चीज का सबको वेट था वो फाइनली आपका आ गया है। द एचएस प्रीलिम्स रिजल्ट इज आउट एंड दिस इज द पीडीएफ। सो इन सब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अभी कल ही रिजल्ट आया है इसका। दीज आर द रोल नंबर्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, राइट। ऑल दीज स्टूडेंट्स विल बी नाउ अपेयरिंग फॉर मेन्स। ये सारे बच्चे अब एचसीएस मेन्स के लिए अपियर करेंगे, राइट। कट ऑफ एज सच नहीं बताई है, खाली जिन बच्चों का क्लियर हुआ है खाली उनके ही रोल नंबर है इसके अंदर। सो अपना रिजल्ट जल्दी से जल्दी चेक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक भी रिजल्ट चेक नहीं करा देन आई विल सजेस्ट यू टू डू इट एट द अर्लीस्ट। रिजल्ट चेक कीजिए बिकॉज एज यू कैन सी आपका जो प्रीलिम्स भी है वो भी, सॉरी मेन्स में भी ज्यादा टाइम नहीं है। 31 मार्च तक मैक्सिमम आपका मेंस भी आपका एचसीएस कनेक्ट करा लेगा। एचपीएससी अपना जो मेंस है वो 30 या 31 मार्च के अराउंड डेफिनेटली वो भी कनेक्ट करा लेंगे, मतलब इलेक्शन से पहले ही आपका मेंस भी हो जाएगा, राइट। तो आपके पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, अब बिल्कुल भी एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। सो अगर आपका नेम इस रिजल्ट लिस्ट के अंदर है तो वेल एंड गुड, राइट। आपको मेंस के लिए जुट जाना है, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना। बट अगर आपका नेम इस रिजल्ट के अंदर लिस्ट के अंदर नहीं है, राइट, अगर आपका नेम इस रिजल्ट के अंदर नहीं है, सो आई विल आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि आपको हताश नहीं होना। डू नॉट गेट बॉक डाउन कि भाई हमारा क्लियर नहीं हुआ। यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आपको अपनी गलतियां से सीखना है। बिकॉज एचसीएस बहुत कंसिस्टेंट रहा है, पिछले 3 जो एचसीएस हुए हैं बहुत ही कंसिस्टेंटली हुए और ये पैटर्न आगे भी फॉलो होने वाला है। तो डेफिनेटली एग्जाम नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम भी होने ही वाला है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है कि भाई हमने क्या गलतियां करी, उन गलतियों से सीखना है आपको, सो दैट दोबारा वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, राइट। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिमोटिवेटेड, डिमोटिवेटेड की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप मेहनती हैं, अगर आपने मेहनत करी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी गलती हुई है, उसी को आइडेंटिफाई करना है और नेक्स्ट ईयर वो गलती नहीं रिपीट होगी और आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। अगर आप अभी बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होगे तब, अगर आप हताश होकर बैठ जाओगे तो बात नहीं बनेगी, राइट। एंड जिन बच्चों का भी क्लियर हो गया है उनके लिए मैं जरूर एक चीज एडवाइस करूंगा कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, राइट। ओके, सो जो रियल क्वेश्चन इज कि सर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमने एक एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, पहली कड़ी जो है वो पार कर ली, अब क्या करना है। अब ऑब्वियसली अब आपका मेंस है तो मेंस के लिए आपका कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वे टू गो अबाउट इज द टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है होल हार्टेडली, अच्छे से टेस्ट लिखने हैं, राइट, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। बिकॉज आपने प्रीलिम्स के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर किया डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर कर पाए। 80% काम आपका ऑलरेडी हो चुका है, अब जो 20% आपका काम बचा है, देयर आर टू थिंग्स नाउ, एक तो राइटिंग प्रैक्टिस, राइट। नाउ देयर आर टू थिंग्स, वन इज राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई मीन, राइट। उसके अलावा कुछ 10% अराउंड आपका कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस थोड़ा बहुत आपको मेंस के लिए कवर करना पड़ेगा। सो ऑल इन ऑल आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आप आंसर राइटिंग के लिए मेंस की जो टेस्ट सीरीज है एचसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज द मॉक टेस्ट सीरीज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। तो आप किसी वालों का सॉल्यूशन अभी पीडीएफ अभी बनने वाली आपके सामने लेके आया है, जहां पर हमने एचसीएस 2024 के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली लॉन्च कर रखी है। कई ऑलरेडी बच्चों ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है, राइट। जिनके भी आई टोल्ड जिनके भी 45+ थे, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू क्लियर दिस प्रीलिम्स एज वेल और वो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। सो आप वेट ना कीजिए, यू ऑल्सो सब्सक्राइब टू इट। एंड द बिगेस्ट यूएसपी अबाउट दिस टेस्ट सीरीज इज कि ये इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों के अंदर अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों के अंदर अवेलेबल है। चाहे आप सेंटर पे आके देना चाहे सेंटर पे आके दे सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठ के देना चाहे घर पे बैठ के दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। देयर आर टोटल 16 टेस्ट इन इट, 8 सेक्शनल टेस्ट आर देयर, 3 इंग्लिश 3 हिंदी 2 कंप्लीट जीएस मॉक टेस्ट। कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ साथ अपनी पूरी मोटिवेशन के साथ पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ते रहना। इस टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे रजिस्ट्रेशन आपका जो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है सपोर्ट नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, राइट। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।